और हम जहां भी पहले गिरफ्तार हुए आ कई जगह हमको बदलते रहा, तो जो जेपी आंदोलन था तो उसमें तो हम जेल में थे, तो बिहार भर के अनेक लोग उनसे बड़ा अच्छा संबंध, लेकिन भागलपुर वाले ये लोग जितना थे ये हमसे बतियाबे नहीं करते थे, बहुत इज्जत। और हम तो जब से आप समझिए हम एमपी भी थे कभी भी, तो उनके यहाँ हम कितनी बार गए, तो इनको 15 दिन में पता चला कि हम तो ठीक ठाक आदमी हैं, सबसे बड़ा बढ़िया बतिया रहे हैं, तब से इनका हमसे दोस्ती हो गया। आई जितने लोग थे इनके सब लोग भागलपुर में मेरे साथ हो गए, आज जहां हमको रखा जाता था वहीं पर ही सब लोग अगल बगल में रहने लगे उस जेल में। ये भी थे जेपी आंदोलन में भागलपुर जेल में, जब हम पहुंचे तो उस समय आप जानते हैं भागलपुर जेल में हम पहुंचे तो कई जगह सुनो ना भाई, अरे सुनो भाई कुछ पुरानी बात जानो, तो जो जेपी आंदोलन था तो उसमें तो हम जेल में थे, और हम जहां भी पहले गिरफ्तार हुए आ कई जगह हमको बदलते रहा, और अंत में हम आए थे तो वहीं पर, ये भी थे जेपी आंदोलन में भागलपुर जेल में, जब हम पहुंचे तो उस समय आप जानते हैं भागलपुर जेल में हम पहुंचे तो बिहार भर के अनेक लोग उनसे बड़ा अच्छा संबंध, लेकिन भागलपुर वाले ये लोग जितना थे ये हमसे बतियाबे नहीं करते थे, तो इनको 15 दिन में पता चला कि हम तो ठीक ठाक आदमी हैं, सबसे बड़ा बढ़िया बतिया रहे हैं, तब से इनका हमसे दोस्ती हो गया। आई जितने लोग थे इनके सब लोग भागलपुर में मेरे साथ हो गए, आज जहां हमको रखा जाता था वहीं पर ही सब लोग अगल बगल में रहने लगे उस जेल में, तो बड़ा उसी समय से हमारा रिश्ता है और उसी समय से साथ हैं, तो आप समझ लीजिए कब का इनका रिश्ता हमारा है, तो उसी समय से ही साथ तब से हैं, तो तब से, अब तो इनका जो घर है वहां तब पढ़वे करते थे तो इनका जो घर है तो इनके घर में हम कितना बार जाते हैं, बराबर जाते हैं मधेपुरा में, और जब हम मधेपुरा में जाते हैं तो इन्हीं के घरवे पर रहते हैं, और जब चर चुनाव होता है तो 8 दिन 10 दिन यहाँ पर रहते हैं, अगल बगल में जाते हैं, तो हमारा तो इनसे रिश्ता बहुत अच्छा हो गया। तब इनसे ऐसा रिश्ता जब हम लोग कर दिए, ये बड़ी खुशी की बात, हम इसलिए इनको बधाई देते हैं कि जब इन्होंने पहले ही कहा और ये बोल रहे थे इनके बारे में, तो हमने कहा कि नहीं रे बाप, भामा साहब का तो योगदान रहा ही है, तो इसीलिए उनके उनके साथ महाराणा प्रताप जी के साथ उनका रिश्ता ही रहा है, ये तो ऐतिहासिक है। तो इन्होंने कहा था कि भाई उनकी एक मूर्ति लगवाइए, तो 19 में ही ये बेचारे हमको सलाह दिए, तो पटना के पुनाई चक पार्क में बामा साहब की जो प्रतिमा लगाई गई, आदमकद प्रतिमा लगवाई गई, अब वो हुआ। अब इसके बाद आप जानते हैं कि हम लोग सब लोग महाराणा प्रताप जी के लिए भी बहुत इज्जत, और हम तो जब से आप समझिए हम एमपी भी थे कभी भी, तो उनके यहाँ हम कितनी बार गए, सब जगह जाते रहे हैं और एक एक चीज को हम देखते रहे हैं, तो हम लोगों का तो है ही, और इन लोगों ने जो भी काम किया है ये कौन नहीं जानता है। और आप जानते ही हैं कि महाराणा प्रताप जी का साथ भामा साहब ने कितना दिया था, और सबसे धनी आदमी थे भामा साहब, इनका व्यापार कितना ज्यादा था, और ये सारा का सारा उनको साथ ही नहीं दिया बल्कि पूरा का पूरा अपना पूरा धन उनको दे दिया, और उनके दोनों लड़के उनके साथ रहने लगे, हालांकि दोनों की हत्या भी हुई वो एक अलग बात है, लेकिन शुरुआती दौर पर से ही भामा साहब ने उनका जो साथ दिया, तो ये तो सब लोगों को मालूम ही था, तो हम लोगों ने तो उनके लिए भी बहुत कुछ, महाराणा प्रताप जी का तो मूर्ति कितना बढ़िया लगवाए, आप जानते ही हैं अभी जो मूर्ति लग गया महाराणा प्रताप जी का, अब वो सब कुछ कर दिया गया 19 जनवरी को इसी बार, और उसी समय हम लोगों ने तय किया कि इनका एक राजकीय समारोह भी मनाएंगे,
उनके जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग करेंगे, और ये तय कर दिया कि हर वर्ष 9 मई को उनका होगा। और जब उनका हम लोगों ने तय कर दिया तो वही उसके बाद लगा कि जब हम उनका कह रहे हैं तो उनके साथ और उनके पूरे काम में भामा साहब का योगदान रहा है, तो भामा साहब की मूर्ति तो हम लोग लगाए हुए हैं। इसीलिए हम लोग इसी महीने कैबिनेट में हम लोगों ने तय किया कि भामा साहब की जयंती का भी समारोह हम लोग 29 तारीख को मनाएंगे।